السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صدق الله العظيم अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ख़ास तौफीक से आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम आल जामिया इजहार ख्याल मुकाबला की मजलिस में तशरीफ़ फरमा हैं। आल जामिया इजहार ख्याल का थोड़ा सा तारफ़ पेश करके इंशाअल्लाह मोहम्मदी तलबा को यके बाद दीगरे दावत दी जाएगी। मोहम्मदी इंस्टीट्यूट चक नंबर 75 जी के सोहल फैसलाबाद में बसिलसिला तकलीमुल इस्लाम अदारा हाजा में तलबा व तालबात की तरबियत के प्रोग्रामों को तरतीब दिया जाता है और उसमें से जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि मेरे तलबा यानी मेरी तरफ से एजाजी शर्त है ये कि मेरे तलबा वो हैं जो अपने माफी ज़मीर का इजहार तकरीर के ज़रिए या तहरीर के ज़रिए यानी अगर काबिल है तो तकरीर के ज़रिए भी तहरीर के ज़रिए भी नहीं तो कम अज़ कम दोनों में से एक ज़रिए से वो अपना पैगाम लोगों तक ज़रूर पहुँचा सकें। तो अल्लामहुल बयान के ये बच्चे गुफ्तगू कर सकें इजहार कर सकें दीन दूसरों तक पहुंचा सकें इस नस्बत से जो हम प्रोग्राम तरतीब देते हैं उन्हीं प्रोग्रामों में से ये सालाना प्रोग्राम है हमारा। एक तो इसमें हम आल जामिया तलबा व तालबात को स्टेज पे बुलाएंगे, वो आने के साथ अपने माफी ज़मीर का इजहार करेंगे। ज़रूर उस इजहार में कमज़ोरियाँ भी होंगी, यानी कुछ तलबा ऐसे होंगे जो बामुश्किल छोटा सा जुमला पेश करेंगे, कुछ दरमियानी बात करेंगे, कुछ अच्छी भी करेंगे, लेकिन हमारा मकसद क्या है कि इनको स्टेज तक लाना, झिझक इनकी उतारना, इनको मौका देना, इनको तैयार करने के लिए आगाज़ करना कि गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जग में वो तिपल क्या गिरे जो रुकनों के बल चले। यानी एक तो इजहार ख्याल इसका मतलब है और दूसरा मकसद हमारी इंशाअल्लाह अज़ीज़ 14 अगस्त की सालाना तकरीब है। 14 अगस्त को जो हमारी सालाना तकरीब है उसके लिए बच्चों को सिलेक्ट करना कि कौन ज़्यादा अच्छी कारकर्दगी निकालता है और उसकी हौसला अफजाई के लिए उसको आगे लेके जाएंगे और हौसला अफजाई के लिए बच्चों को इनामात दिए जाएँ और जो बच्चे कमज़ोर हैं उनकी कमज़ोरी को दूर करने की कोशिश की जाए और इसके साथ साथ यानी बच्चों की को इनामात भी मिल जाएँ, बच्चों की सिलेक्शन भी हो जाए और इनमें गुफ्तगू जो है इजहार का मलका भी पैदा हो जाए। तो ये आज के हमारे इस प्रोग्राम का मुख्तसर सा तारुफ है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझ गुनाहगार को भी जब तक जिंदा हूँ दीन इस्लाम का पैगाम दीन इस्लाम का बयान लोगों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए और हमारी ज़िंदगी में भी हमारी ज़िंदगियों के बाद भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे तलबा को ये पैगाम लोगों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए कि ये खुद भी इसको समझें इस पर अमल करें और लोगों को पहुँचाएँ। अगर उस पर तकलीफ़ आए तो सब्र करें। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।